हेलो दोस्तों, आज बनाते हैं चटपटे और मसालेदार छोले। छोले में प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो इन्हें अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। छोले जिस दिन बनाने हैं उससे 7 से 8 घंटे पहले साफ कर लें, फिर अच्छी तरह से धो के 2 से 3 ग्लास पानी में भिगो देंगे। 7 से 8 घंटे बाद आप देखोगे छोले अच्छी तरह से फूल गए हैं। अब बचा हुआ पानी निकाल के फिर जो छोले फूले नहीं है या ख़राब है उन्हें निकाल देंगे। छोलों को साफ़ पानी से धो के फिर छोलों को कुकर में डाल देंगे। 2 ग्लास पानी डाल के फिर आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे और कुकर की 4 से 5 सीटी करेंगे। कुकर ठंडा होने तक हम 3 मीडियम साइज़ प्याज मिक्सर में बारीक पीस लेंगे। फिर 3 से 4 टमाटर की प्यूरी कर लेंगे और 4 से 5 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक कद्दूकस करके या 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। फिर कुकर ठंडा होने पे चेक कर ले छोले अच्छी तरह से पक गए हैं या नहीं। फिर एक कढ़ाई या कुकर ले, उसमें डालेंगे 7 से 8 चम्मच तेल। तेल गर्म होने पर गैस को मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। अब डालेंगे कुछ खड़े मसाले। डालें 3 से 4 छोटी दालचीनी के टुकड़े, 6 से 7 काली मिर्च के दाने, 4 से 5 लौंग। फिर डालेंगे बारीक पीसा हुआ प्याज। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे, कुछ सेकंड्स भूनेंगे। फिर डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, इससे प्याज जल्दी भूनेंगे। प्याज को अच्छी तरह 2 से 3 मिनट भूनने पर फिर डालेंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक लहसुन, या आप डाल सकते हो 1 से 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर सारी चीज़ों को 3 से 4 मिनट भूनेंगे, जब तक ऐसे लाइट ब्राउन कलर का नहीं बन जाता। फिर डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 3 से 4 चम्मच रेडीमेड छोले मसाला। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर डालेंगे 3 से 4 टमाटर की प्योरी, इसे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर डालेंगे 1/4 चम्मच नमक और इसे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे। जब आपको थोड़ा तेल छूटते हुए नज़र आए तब डालेंगे उबले हुए छोले। छोलों को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेंगे और डालेंगे 1 से 2 ग्लास पानी। आपको जितना गाढ़ा पसंद है आप उतना कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक ऐसे उबाल नहीं आ जाता। फिर डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया और गैस बंद कर देंगे। अब करते हैं स्पेशल तड़के की तैयारी। एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे। घी अच्छी तरह से गर्म हो जाने पे फिर डालेंगे बारीक और पतले कटे हुए अदरक के टुकड़े और 1 हरी मिर्च के 2 से 3 बड़े टुकड़े काट के डालेंगे। इसे 1 मिनट अच्छी तरह से घी में भूनेंगे और फिर सब्जी पे डालेंगे। घी के तड़के से छोलों में बढ़िया स्वाद आता है और लो तैयार है स्वादिष्ट छोले की सब्जी। इसे आप पूरी, रोटी या चावल के साथ खा के एंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाएं और हमें लाइक और कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। थैंक यू।